हेलो गाइस, आई एम महावीर। वेलकम टू माय चैनल द माइनिंग किंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे राइजिंग और उसके टाइप्स के बारे में। राइज अंडरग्राउंड माइंस के अंदर दो मेन लेवल्स को कनेक्ट करने के लिए बनाई जाती है ज़रूरत के मुताबिक। अगर डेफिनेशन के तौर पर देखें तो राइजिंग यानी कि इन अंडरग्राउंड माइनिंग राइज रिफर्स टू ए वर्टिकल और इंक्लाइंड एक्सकेवेशन डेट लीड्स फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। राइज ओपनिंग का उपयोग किया जाता है ओवर पास के लिए, वेस्ट पास के लिए या वेंटिलेशन के लिए। राइजिंग एक रेगुलर ऑपरेशन है मेटलोफेरिस माइंस के अंदर डेवलपमेंट के लिए। इस ऑपरेशन को करने का कारण एक ये भी है कि रूफ रॉक के गिरने के खतरे से बचने के लिए। राइजिंग को दो नामों से डिवाइड किया गया है, राइज और विंस। राइज यानी कि लोअर मेन लेवल को अपर मेन लेवल से मिलाने के लिए जो ड्राइवेज बनाया जाता है उसे राइज कहते हैं, और विंज यानी कि अपर मेन लेवल को लोअर मेन लेवल से मिलाने के लिए जो ड्राइवेज बनाया जाता है। तो इन शॉर्ट, राइज यानी कि अपवर्ड ड्राइवेज नीचे से ऊपर की तरफ, और विंज यानी कि डाउनवर्ड ड्राइवेज ऊपर से नीचे की तरफ। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राइजिंग के टाइप्स के बारे में। राइजिंग 6 टाइप से की जाती है, और वो 6 टाइप्स हैं ओपन राइजिंग, लॉन्ग होल ड्रिलिंग, अलीमेक राइज क्लाइंबर, चोरा राइजिंग लिफ्ट 2 और 3 कंपार्टमेंट एंड लास्ट राइज बोरर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल दो मेथड्स के बारे में, ओपन राइजिंग एंड लॉन्ग होल ड्रिलिंग, क्योंकि अगर हम सभी मेथड्स को डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप बोर हो जाएंगे। तो इसके बाकी मेथड्स को डिस्कस करने के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, पार्ट 2, तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए अब टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं मेथड्स के बारे में। फर्स्ट है ओपन राइजिंग। ओपन राइजिंग एक मोस्ट कॉमन मेथड है जिसका ज़्यादातर इस्तेमाल मेटल माइंस के अंदर किया जाता है 8 मीटर लेंथ के लिए, साथ ही इंक्लिनेशन एंगल 40 डिग्री से 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल पे। अब इसका मैकेनिज्म समझे तो इसमें लोअर मेन लेवल से अपर की तरफ होल ड्रिल किए जाते हैं एस्टिमेट एंगल पे जैक हैमर से 32 mm के डायमीटर के साथ 1.5 mm डीप तक। जनरली यहाँ पैटर्न इस्तेमाल किया जाता है वेज पैटर्न या बर्न कट पैटर्न। ड्रिल होल करने के बाद होल्स में एक्सप्लोजिव चार्ज किया जाता है ब्लास्टिंग के लिए, और ब्लास्टिंग हो जाने के बाद टूटी हुई रॉक ग्रेविटी से ऑटोमेटिक नीचे गिर जाती है और गिरी हुई रॉक को वहाँ से हटा दिया जाता है। उसके बाद यही प्रोसेस दोबारा से रिपीट की जाती है, और जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ती है हाइट बढ़ती जाती है, फिर वहाँ होल ड्रिल करने में प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए वहाँ प्लेटफॉर्म बनाया जाता है वर्कर के खड़े रहने के लिए टिम्बर प्लैंक से, ताकि वर्कर आसानी से ड्रिल होल कर सके। होल्स में एक्सप्लोजिव चार्ज करने के बाद ब्लास्टिंग करने से पहले वहाँ से पूरा प्लेटफॉर्म हटा दिया जाता है ताकि वर्कर वगैरह को चोट ना लगे, और उसके बाद ब्लास्टिंग की जाती है, और इसी तरह प्रोसेस रिपीट होती रहती है जब तक राइज बन ना जाए, और इसी को ओपन राइजिंग कहते हैं। यह था ओपन राइजिंग का मैकेनिज्म। इसके अलावा ओपन राइजिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे वेंटिलेशन की कमी होना, ब्लास्टिंग की वजह से पाइप्स या लेडर्स वगैरह डैमेज हो जाना। जैसे जैसे राइज ऊपर की तरफ बढ़ती है वैसे वैसे प्रोसेस स्लो हो जाती है, प्लेटफॉर्म लगाते और हटाते वक्त केयरफुल रहना पड़ता है, वगैरह वगैरह जैसे डिसएडवांटेजेस हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं राइजिंग की सेकेंड मेथड के बारे में, लॉन्ग होल ड्रिलिंग राइजिंग मेथड। इस मेथड को हॉरिजॉन्टली किया जाता है ऊपर मेन लेवल से नीचे लोअर मेन लेवल तक। इसमें ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिक मशीनरी से किया जाता है। इसमें इस्तेमाल होने वाली मशीन है जंबो ड्रिल मशीन, कंप्रेस्ड एयर ऑपरेटेड। ये मेथड अपनाई जाती है 15 से 50 मीटर की डेप्थ के लिए, इंक्लिनेशन एंगल 35 डिग्री तक। लॉन्ग होल ड्रिल मेथड में अपर मेन लेवल से लोअर मेन लेवल तक होल ड्रिल किए जाते हैं 50 से 75 mm डायमीटर के, और एक सेंटर होल किया जाता है 100 से 125 mm का। होल करने के बाद होल के एंड पे प्लग लगा दिए जाते हैं ताकि जब एक्सप्लोजिव चार्ज करें तो वो नीचे ना गिरे। होल के एंड पे प्लग लगाने के बाद उसमें एक्सप्लोजिव चार्ज किया जाता है, और उसके बाद स्टीमिंग मटेरियल से दबा दिया जाता है ताकि एक्सप्लोजिव प्रेशराइज रहे और फैले नहीं। इसमें सेंटर होल फ्री स्पेस रहता है, उसमें कोई एक्सप्लोजिव चार्ज नहीं किया जाता है। यह प्रोसेस होने के बाद ब्लास्ट कर दिया जाता है और टूटी हुई रॉक नीचे गिर जाती है लोअर लेवल पे, और इसी तरह यह प्रोसेस रिपीट की जाती है, पहले प्लग, फिर एक्सप्लोजिव चार्ज, और उसके बाद स्टीमिंग मटेरियल और ब्लास्ट। ये तब तक चलता है जब तक दोनों लेवल कनेक्ट ना हो जाए। दिस इज़ वेरी इजी प्रोसेस एंड ऑल्सो टाइम सेविंग प्रोसेस। लॉन्ग होल ड्रिलिंग काफ़ी इजी है और टाइम सेविंग प्रोसेस है। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मैं बाकी मेथड्स को अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा।
तो चैनल पे इसी तरह बने रहिएगा। अगर आप माइनिंग के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।